मॉड्यूल 34 प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब आप प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड की बात करते हो इट इज इन फैक्ट अ रेशो दैट इंडिकेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस जगह हम बात कर लें विद रेफरेंस टू वीट तो वो किस चीज को रेफर करेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर व्हीट इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर व्हीट बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ व्हीट जब हम बात करते हैं करते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इट इज बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी ओवर द क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहां पे ये जो q आप कह लें डिनोमिनेटर में जो q है ये इंडिकेट कर रहा है द क्वॉंटिटी डिमांड क्वानिटी डिमेंड एट अ पॉइंट वेयर यूट्यूट प्राइस इलास्टिसिटी फिर इसी पैटर्न परसेंटेज इन प्राइस की बात करते हो तो दट इज इक्वल प्राइस इन टू हंड्रेड और ये डिनोमिनेटर में पी किस चीज को डिनोट करता है पी आपके पास डिनोट करता है द्वार यू वॉन्ट टू कंप्यूट प्राइस इलास्टिसिटी और अगर मैं इन दोनों चीजों को आपस में डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड और इस सारे में डिनोट क्यों करता, कर रहा है आपके पास क्वांटिटी डिमांड को वाइल पी डिनोट कर रहा है प्राइस को जब आप प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं हम यूजली बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड की व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और इस सारे को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड फॉर एप्पल्स की बात की है और प्राइस फॉर एप्पल्स की बात की है और हम यहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्राइस इज इक्वल टू टेन क्वांटिटी डिमांड फॉर एप्पल्स इज इक्वल टू टू इफ प्राइस इज इक्वल टू फाइव क्वांटिटी डिमांड फॉर एप्पल्स इज इक्वल टू फोर अब यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करने के लिए एट पॉइंट और एट पॉइंट बी हम मूव कर रहे हैं स्क्रीन पे अगर हम प्राइस लास्ट से डिमेंड कंप्यूट करें एट पॉइंट ए हमने इसको डिफाइन कैसे किया था हमने कहा था दिस इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बिकॉज ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इफ़ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी देर इज चेंज इन क्वांटिटी देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी एंड इन दिस केस चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू टू और जब आप बात करते हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड तो आप इसको कहते हो इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर क्वांटिटी डिमांड एट पॉइंट ए जैसा कि जब हम ए से बी के दरमियान मूव किया तो यहां पर चेंज इन क्वान्टिटी डिमांड क्या थी इट इज इक्वल टू टू वाइल

माइनस -5 कि एट पॉइंट ए प्राइस 10 रुपीस थी पॉइंट बी पे प्राइस इज इक्वल टू 5 थी सो देयर इज द डिक्रीज इन प्राइस बाय 5 रुपी एंड विद रेफरेंस टू पॉइंट ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेरे पास आएगी चेंज इन प्राइस बिटवीन टू पॉइंट्स ओवर प्राइस एट इनिशियल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 100 और यहां पे क्या आ जाएगा इट इज इक्वल टू -5 ओवर 10 इन टू हंड्रेड और अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू माइनस हो गई जब कंज्यूमर हो जाएगी एट पॉइंट ए इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू डी ओवर चेंज इन प्राइस और इस केस में यह मेरे पास होगा इट इज इक्वल टू हंड्रेड ओवर माइनस फिफ्टी और मेरे पास आंसर क्या आएगा इट इज इक्वल टू माइनस टू और अगर मैं इसी चीज को कंप्यूट करूं प्र, प्राइस लास्ट टू डिमांड एट पॉइंट बी बाय मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू तो पॉइंट बी तो इस केस में भी क्या होगा चेंज इन क्वांटिटी इज अगेन इक्वल टू टू लेकिन मेरे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है क्वांटिटी डिमेंड एट पॉइंट बी तो यहाँ भी मेरे पास इस रेफरेंस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगी इट इज इक्वल टू के एट पॉइंट बी इफ वी आर यूजिंग पॉइंट बी एज रेफरेंस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू टू ओवर फोर इन टू हंड्रेड और यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा इट इज इक्वल टू फिफ्टी जी अगर मैं पॉइंट बी के रेफरेंस में ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करूं तो ये इंडिकेट कर रहा है देर इज इंक्रीज इन क्वांटिटी क्वॉंटिटी 50 परसेंट और अगर मैं इसी पैटर्न पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा कि चेंज इन प्राइस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज इक्वल टू माइनस फाइव लेकिन पॉइंट बी पे प्राइस मेरे पास क्या है प्राइस इज इक्वल टू फाइव और मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन टू पॉइंट्स के दरमियान क्या आएगी इट इज इक्वल टू माइनस 100 और अब अगर मैं पॉइंट बी पे इसी इलास्टिसिटी को कंप्यूट करूं तो मेरे पास आंसर आएगा इट इज इक्वल टू जी 50 ओवर माइनस 100 और अल्टीमेटली क्या होगा इट इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 अब एक चीज जो आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो केजी इलास्टिसिटी

टू वर्ड्स जीरो और अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे मूव करूँ कि जी अलॉन्ग प्राइस एक्स टू वर्ड प्राइस एक्स अगर मैं मूव करूंगा तो ये मेरे पास इलास्टिसिटी क्या होगी इट विल मूव टू वर्ड्स माइनस इंफिनेट अब हम इसी चीज को एलेबोरेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में कि कंप्यूटेड वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटीज विल बी डिफरेंट अगेंस्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डिमेंड कर जब आप प्राइस इलास्टिसिटी और डिमेंड की बात करोगे तो डिमांड कर्व क्योंकि एक नेगेटिव स्लोप कर्व है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड भी क्या होगी इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर और जब आप रेंज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉफिशेंट्स की बात करोगे इट लाइज बिटवीन जीरो टू माइनस इंफीनिट अब डिपेंडिंग अपॉन कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं डिमांड ऑफ कमोडिटीज इलास्टिक इन इलास्टिक आर यूनिट इलास्टिक

एंड इफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इन एबसलूट टर्म्स इज लेस देन वन तब आप इसे कहते हैं कि डिमांड फॉर कमोडिटी इज इन इलास्टिक अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे इस डायग्राम में भी आपको डिपिक्ट कर रहे हैं कि जी टूक द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस एंड प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सेस जब आप इन इलास्टिक डिमांड की बात करोगे वहाँ पर क्या होगा कि हमारी डिमांड कर पैरल टू वर्टिकल एक्सेस होगी और तब इलास्टिसिटी क्या होगी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो अपॉन दूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी अंडर विच रेंज वी आर कंप्यूटिंग मिड पॉइंट से हॉरिजेंटल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूं तो वहां पर उस रेंज में क्या है डिमेंड इज

इन इलास्टिक भी इंडिकेट करते हैं इलास्टिक कब इंडिकेट करेगा जब वो आपके पास वर्टिकल एक्सिस की तरफ होगा इलास्टिक कब होगा जब वो हॉरिजेंटल एक्सिस के पास होगा और मिड पॉइंट पे क्या होगा इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन हाँ हम कह सकते हैं कि व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिमांड कर्व डिमांड इज इलास्टिक आर इन इलास्टिक कि इस डायग्राम में हम आपको क्या शो कर रहे हैं वी आर रिपोर्टिंग द डिमांड फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट इन सेम फिगर जो मेरे पास आप कह लें कि जी एक को एक डिमांड कर्व को हम रिपोर्ट कर रहे हैं फ्रूट्स के लिए एक को हम रिपोर्ट कर रहे हैं वेजिटेबल्स के लिए कि अगर मैं इन दोनों डिमांड कर्व का कंपैरिजन करूं तो यहां पे क्या होगा डिमांड फॉर फ्रूट्स इज इलास्टिक एज कंपेयर टू डिमांड फॉर वेजिटेबल और अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा की रोल प्ले करता है इन द इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पॉलिसी मेकर्स कंज्यूमर्स एंड फार्मर्स